चेयरपर्सन करने जितने साढ़े सरपंच पंच साहिबान डीडीसी मैंबर ने इधर ने जनाब की सुनाने चाहना कि जो सवेरा च बारिश लगी तो मिगी फोन करा दे काफी सारे लोग कि अज प्रोग्राम कैंसल है जो होना है। मैं क्या कि गल करा दे अच्छी तरीके से जानते हैं, काफी पहले से जानते हैं। इनका जो भी काम करने का स्टाइल है वो अलग तरीके का स्टाइल है, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि राघव लंगर सिंह जनाब जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आज बाटर एरिया में जो दरबार लगाया। मेरी 22 पंचायत है सर, और ये सबसे पिछड़ी पंचायत है बाटर एरिया, इसमें काफी ज्यादा आता है और कंडी एरिया। जनाब इस एरिया में कभी ऐसा कैंप लगा ही नहीं आज तक, कभी वो कैंप नहीं लगाया था। आपने यहाँ 33 डिपार्टमेंट को साथ लेकर, पूरे के अधिकारी जो उच्च अधिकारी है सभी को साथ लेकर, डायरेक्टर साहब सबको साथ लेकर आपने आज दरबार लगाया है, ये एक बड़ा हमारे लिए एक गर्व की बात है और हम जनाब करते हैं जिनसे शुक्रिया अदा करते हैं। सर ये जबली पहले तो मैं सारे का शुक्रिया अदा करना और सब तो ज्यादा शुक्रिया अदा करना मैं टेलीकॉम साहब का, जिन्हें सिर्फ एक बार साथी बोल रहे कहना है टेलीकॉम साहब को अस गए दो तीन दिन पहले हमारा एक ओपन दरबार लाना है। टेलीकॉम साहब ने उसे मैं डेट नोट कर ले बोलते अगला दरबार थोड़ा और जो बालदीप है डेवलपमेंट काम है तो जबरदी कुछ हिस्सा अगले साल होने नेक्स्ट प्लान के कुछ हिस्सा पैक्स बजट होने बाय नेक्स्ट ईयर अर्ली पैक्स बजट होने, पर कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो इमरजेंसी इश्यूज हैं जिनके ऊपर सब ध्यान देने की जरूरत है। मैं सबसे पहले सब का ध्यान पते और एक इशू पर देना चाहता, मैंने इस इशू को जवाब देना चाहता कि साढ़े इतने डिग्री कॉलेज एडमिशन इशू चला था पिछले साल, उतने एडमिशन ही है ओपन, इस बार उन्हें लिमिटेड सीट दी 320 सीटा भी दी उनके जेडे सिर्फ
सर घटो घट सर रोज दस लोग आए होते कि असें डोमिसाइल बनाना साड़ी तस्वीर से डोमिसाइल ऑफलाइन ही बना जहां हूं पुछ लो जहां मैं दसो कि उन्हें कि मैं जवाब नहीं दे क्योंकि लोगों सू लोगों सू वोट दिते थे अगर उसी ऑफिस से जाइए कि रहना क्या यहाँ तक का जवाब हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट दे चुके हैं। मैं उन इशूज को टच करूंगा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है यहाँ पर जिनका अभी तक जो मिसलेनियस इशू रहे यहाँ पर एक यहाँ पर एक शमशान घाट के एक बालिका कम्युनिटी के लिए रोड की बात हुई रास्ते की बात हुई तो उसमें हमने पहले भी उसका लास्ट ब्लॉक दिवस में भी इशू करा था उसका डिमार्केशन कराया था उसमें वो माल की लैंडिंग की है उसमें हम कोशिश करेंगे मैंने एमडीएस साहब को डायरेक्शन दी है कि उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा क्योंकि वो पर्सन की खुद की जमीन है वहां से अगर रास्ता चाहिए। इसके अलावा प्लेफिट की एक बात भी हमारे हर पंचायत में प्लेफिट बनाने का गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है और इसको जल्दी हमने कंप्लीट करना है। इसके लिए हमने जहां जहां पर कुछ पंचायतें ऐसी थी कि हमारी जहां पर जमीनें भी आइडेंटिफाई नहीं थी लैंड भी आइडेंटिफाई नहीं थी तो उसके लिए हमने लैंड भी आइडेंटिफाई कर ली है और अभी तक हमारे जो पंचायतें जो भी रह गई है जहां पर भी हमारा प्लेफिट नहीं है पूरी कोशिश की जाएगी कि उसको इसी साल में प्लेफिट कंप्लीट किया जाए। उसके साथ साथ हमारे जो टीआरआई थे उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्लान में भी प्लेफिट का काम जरूर रखें क्योंकि अल्टीमेटली जितनी भी फंडिंग आ रही है हम आज की डेट में आपको केवल लैंड दे सकता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कंप्लीशन का जिम्मेदारी आपकी खुद की है क्योंकि फंडिंग अब सीधे आपको हो रही है सीधे आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कोटी नर्से में बैक टू विलेज में या फिर अपने नॉर्मल प्लान में नरेगा के प्लान में या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट एफेक्ट में किसी ना किसी में उसको जरूर रखें। इस बार हमारे पास 52 नमन करना मैं उनका धन्यवाद देना साडीसी मैंबर इधर ने साडे जिले जिले की सरपंच पंच साहब लेडी मैंबर पाई दी जिड़े भी सोशल एक्टिविस्ट जिड़े इधर के नागरिक आए हैं उसको खबर ने लड़ाइए पार्टीसिपेट किया इन्हें घंटे गला अपनी भी गलत रखी तो महकमे ने रिस्पॉन्स भी सुनिया उसका बड़ा बड़ा मैं शुक्रिया अदा करना। देखो जिया एक साढ़े मैंबर ने पार्टीसिपेंट ने गल की कि डेवलपमेंट का जोड़ा प्रोसैस है वो बेसिकली कंटीन्यूअस प्रोसैस है अस अगर आशे कि सारी डिमांड से सारी साड़ी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट 1.5 उपर खत्म हो जाएगी तो ऐसा नहीं होता। अज लोगों की पहले पहले पूरी डिस्ट्रिक्ट चाहिए थी एक डिग्री कॉलेज फिर वो बाद सब डिवीजन एक डिस्ट्रिक्ट डिग्री कॉलेज की गल होती है हूँ लोग आखते हैं कि तहसील के ब्लॉक भी डिग्री कॉलेज होना चाहिए। वैसे जरा ये डेवलपमेंट का प्रोसैस है ये कंटीन्यूअस प्रोसैस है ये चलते रहता है। अच तो सबों का जरा अस्तों का जिक्र आए उनकी पूरी गलबात सुनी तो जोड़े बेसिक इशूज पता लगे स्पैशली साढ़े इंपॉर्टेंट है पॉलिसी रिलेटिड इशू जिन्हें कि कम मोटा मोटा साढ़े इधर रूरल डेवलपमेंट इशू एम जी नरेगा की प्रीवियस लाइबिलिटी वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट अज की डेट में साढ़ा एक मटीरियल लाइबिलिटी क्लीयर करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट है वो डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट वो हाथ में लगे दे नहीं है कि अब कंसोलीडेट करिए फिर उसकी फोकस करिए उपर काम करिए। माइनिंग जीवन तुम्हें आ गया माइनिंग इधर अगर इलीगल माइनिंग जिधर जिधर वो आती है वो भी बड़ा सीरियस इशू है डीसी साहब एसएसपी साहब वो उपर कार्रवाई करके अच्छे एक चीज भी मैं तुम्हें दसा बड़ी अच्छी जी भी लगी वो ये है कि तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट कठुआ की जी टीम है वो मैं समझना पूरे साढ़े डिवीजन पूरे सूबे वन ऑफ द बेस्ट टीम के तहत जो नुकसान हुआ है उसके पूरा जो है वो बकायदा पॉलिसी प्रोटेक्शन भी की गई है गवर्नमेंट और डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से उसका पूरा उचित दरों का जो मुआवजा है वो भी दिया जा रहा है आगे। वैक्सीनेशन सर स्कूल खोलने की बात की जा रही है तो जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं किया गया जी देखिए वैक्सीनेशन यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट गवर्नमेंट ने किया है कि 18 साल जो कि आप जान रहे हैं कि 18 साल के ऊपर ही अब मान्य है वैक्सीनेशन तो जो हमारा स्कूल का स्टाफ है जो भी हमारा टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और जो भी अभी उच्च शिक्षा के हमारे जो सेंटर्स हैं वहाँ पर जो है 50% उसके साथ जो है पूरे कैपेसिटी के साथ ये क्लासेस वहाँ पर जो है शुरू होगी ताकि हमारा जो शैक्षणिक सत्र है वो प्रभावित ना हो और आगे आप देखेंगे कि जैसे बात हो रही है कि 18 वर्ष से कम आयु के वर्ग की भी बात हो रही है कि वैक्सीनेशन आगे के आने वाले चरणों में आएगी तो हम लोग बड़े होपफुल हैं कि
वैक्सीनेशन जैसे जैसे हमारा पूरा 100% तक पहुँचेगा तो हमारे सभी की दायरे रेगुलर भी चल पड़ेगा।